हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू फाउंडेशन स्कूल बक्सर। वैसे तो हमारे स्कूल द्वारा स्टूडेंट टीचर कोलैबोरेटिव लर्निंग के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लासिक्स के बच्चों द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक तो कंप्लीट हो ही चुका है मेरे द्वारा, लेकिन उस चैप्टर को एक बार फिर से लिटिल यंग वंडर्स ने, हमारे क्लासिक्स के यंग वंडर्स ने एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहूँगी कि उसे आप लोग देखें और ऑफ कोर्स आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी साइंस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टीच यू अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, वेविंग एंड नेटिंग। अब देखेंगे आज हम इसमें से नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल फाइबर मतलब होता क्या है? फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, मतलब वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल से पाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन से टाइप के फाइबर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, जस्ट लाइक मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि ये प्लांट से और एनिमल से पाया जाता है। नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। दे कैन बी यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स वेयर द ओरिएंटेशंस ऑफ फाइबर्स इंपैक्ट द प्रॉपर्टीज एंड द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन यूजिंग फाइबर्स इज द डिस्कवरी फाइबर्स फाउंड इन द प्रीहिस्टोरिक केव इन द रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया दैट डेट बैक टू 36,000 BP. Natural fibers are a good sweet absorbents and can be found in a variety of textures. And the examples of natural fibers are cotton, wool, silk, jute, wood, wood yarn and etc. Synthetic fiber मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में बनाया जाता है और मेड इन फैक्ट्रीज, जो हमारे देश के ह्यूमन के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे नायलॉन और पॉलिएस्टर। सो कॉटन वाज नोन टू द इंडियंस फ्रॉम अराउंड 1800 BC। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कॉटन टू द यूरोपियंस फ्रॉम अराउंड 500 BC। इन इंडिया कॉटन इज कल्टिवेटेड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन मीन्स कपास की खेती। कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट, कपास के पौधों की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉटन प्लांट्स नीड ब्लैक क्ले सॉइल, कॉटन का जो प्लांट होता है उसे ब्लैक सॉइल लगता है, काली मिट्टी लगती है। The showing of cotton is done in early spring. The cotton plants are bushy and 1 to 2 meters tall. The plants start flowering in about 60 days and give a whitish yellow color, which turns reddish in a few days time. Then ये करीब 60 दिनों में फूल देने लगते हैं, सफेद पीले फूल देते हैं जो कुछ ही दिनों में लाल हो जाते हैं। Flowers slowly grow into spherical walnut size structure. These are called cotton balls. Inside the cotton balls there are cotton seeds where white fiber cotton can be seen. Cotton का जो प्लांट होता है वो कुछ दिनों के बाद स्पेरिकल वर्णत शो करने लगता है, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। इनसाइड द कॉटन बॉल आर कॉटन सीड्स, द वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन कैन बी सीन ऑन द सीड्स। सो ड्यूरिंग मैच्योरिंग द ग्रीन कॉटन बॉल टर्न्स ब्राउन, देन एट मैच्योरिंग द ब्राउन कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन एंड द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। Then these cotton fibers are dried in the sun and becomes fluffy. The cotton is handpicked from the plant. कपास के फाइबर को हम हाथ से उठा सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पुराने समय के जो मनुष्य थे उन्होंने बहुत सारे चीजों का खोज किया, बहुत सारे चीजों का आविष्कार किया। उसी में से हमारी एक चीज होता है कपड़ा, वो पुराने जमानों में पहला है क्लाइमेट। जहाँ के जैसे सतह होती है वहाँ पे वैसे लोग कपड़े पहनते हैं। सच है जम्मू कश्मीर की सतह ठंडी होती है, वहाँ का वातावरण ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। एग्जांपल जैसे उन लोग कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ताकि उन्हें ठंड ना लगे।
और हमारा दूसरा है कल्चर एंड ट्रेडिशन। जहाँ की जैसे संस्कृति होती है वहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। हमारे भारत में है कि औरतें साड़ी पहनती हैं, यहाँ की संस्कृति है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन रहता है वे लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। सच एज स्टूडेंट, स्टूडेंट है कि वो अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे। प्लेयर हैं तो वो अपना शर्ट एंड लोजर पहनेंगे। चौथा है डेली नीड्स। जो हम लोग डेली कपड़े पहनते हैं वो एकदम हमारा सिंपल कपड़ा होता है, जो हमें डेली के कपड़े में आरामदायक रहता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।